लॉकडाउन के बाद दौड़ेंगी ट्रेनें, ट्रेनों में होंगे सिर्फ स्लीपर क्लास। कोरोना वायरस की विभीषिका के चलते मंत्रियों के समूह ने कुछ निर्देश व सुझाव दिए हैं, जिनके अनुसार उक्त प्रोटोकॉल को यथावत अथवा बदलाव के साथ लागू किया जाएगा। बताया गया है कि उत्तर भारत में 360 ट्रेनें चलाने की योजना है, जिनमें से एडवांस बुकिंग के चलते 133 ट्रेनों में सीटें बिल्कुल फुल हैं। इसी कारण लंबी वेटिंग चल रही है, वेटिंग टिकट को रद्द किया जाएगा। इतना ही नहीं, स्टेशन पर प्रवेश के दौरान रेल यात्रियों को मास्क और दस्ताने दिए जाएंगे, जिसकी एवज में रेल यात्रियों से मामूली शुल्क लिया जाएगा। स्टाफ के लिए भी दस्ताने और मास्क पहनना जरूरी होगा, उसके बगैर अंदर या बाहर जाना पूरी तरह से वर्जित होगा। ट्रेनों के सभी चार दरवाजों को बंद रखा जाएगा, जिससे बाहरी लोग प्रवेश ना कर सकें। ट्रेन को नॉनस्टॉप चलाया जाएगा और जरूरत के मुताबिक एक या दो स्टेशनों पर ही स्टॉपेज होगा। ट्रेन के कोच की साइड बर्थ खाली रहेगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इसके अलावा एक कैबिन में सिर्फ दो यात्री सफर करेंगे। अगर ट्रेन में सफर के दौरान किसी भी यात्री में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, तो रेलवे द्वारा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर रेलवे यात्रियों को बीच सफर में उतारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV भारत।